आज मध्य प्रदेश के बहुत सारी जगह से हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बेहद अच्छा काम किया है। ये जो सोचा ये सब भी कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही है, बिकॉज आपने देखा था कोरोना के टाइम पे कितने लोग एक साथ थे। अब जब ये कोविड का पेंडेमिक जब थोड़ी टाइम पहले ख़त्म हुआ, जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश ओपन हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि थर्ड वेव भी आ सकती है। नाउ देर इज़ अ थिंकिंग, हर NGO, हर सोशल वर्क, हर एक पर्सन की एक थिंकिंग होनी चाहिए कि हम किस राइट टाइम पर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि और मजबूती मिले। तो मेरा यही सोचना था कि अभी ये वक्त है, आगे का हमें नहीं पता, एंड फिलहाल हमारे पास अभी ओपन टाइम है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा, विनीत सर से बात की, आशीष सर से बात की, एंड मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। मैं सोचती हूँ कि ये प्लान अकेले नहीं हो सकता, इसमें पूरी MIC टीम, जो इंदौर की टीम है, भोपाल की टीम है, हरदा की टीम है, वो आज हमारे साथ हैं। उन 70-80 लोगों की वजह से हुआ है, कोरोना वॉरियर्स भी हम अगर बने हैं तो वो भी उनकी वजह से। उसके बाद आज ये जो इवेंट हुआ है वो भी आशीष, इंदौर टॉक, सेज क्रिएचर्स की वजह से, वेन्यू पार्टनर फंडोर की वजह से, एंड आज जो हमारे गेस्ट आए उनका रहना इतनी देर तक, उनने जो इतना सम्मान दिया हमारे कोरोना वॉरियर्स को, जो 160 डिग्निटरीज ऑल ओवर MP से आए, सो वो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, DSP सर को, उमाकांत चौधरी सर को और लेफ्टिनेंट जनरल भरत सिंह सिसोदिया को। अलग अलग रहते हैं तो बिखर जाते हैं, जब साथ में रहते हैं, MIC का सबसे बड़ा यही है कि सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं, यही जो हमको शुरू से मिलता है आत्मबल, इसके ज़रिए हम इतना बड़ा इवेंट कर पाते हैं और इतना हौसला मिल पाता है हमको, तो फिर हम इतने लोगों का क्या, इससे भी बड़े लोगों का आगे चल के करेंगे, क्योंकि लोगों से ही टीम बनती है और लोगों से ही हम आगे बढ़ते हैं मैम, तो वहीं से हौसला आता है, लोगों के एक दूसरे के आत्मबल से हमें वो हौसला मिलता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि जो उन्होंने इस समय काम किया है, जिस समय दिल से, तहे दिल से, तन मन और धन से सेवा करी है इस हमारे समाज की, उसके लिए ये काबिले तारीफ़ हैं। डॉट आप और माइक ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज ये कोविड वॉरियर्स का सम्मान रखा था, ये निश्चित रूप में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हम जितना भी चाहें उतना कम हैं अगर हम इन वॉरियर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारे लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं, ना केवल इंदौर के, भोपाल, खंडवा, इवन जो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रसिया में भी थे और वो इसमें सहयोग कर रहे थे। जो हमने पिछले 2 साल में जो समय देखा है और उसमें जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है सामाजिक लेवल पे, जो नीडी पीपल थे उनका सहयोग जिस तरीके से किया है, तो हेड्स ऑफ ऐसे वॉरियर्स को। और मैं समझता हूँ कि मुझे आज खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं और मेरे हाथों ये सम्मान उनको दिया गया है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे और मेरे साथ में काफ़ी दूसरे लोगों को जिन्होंने अपने अपने स्तर पर सेवाएं दी हैं उनका सम्मान किया। और मैं समझता हूं, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, कि जंग अभी जारी है, हमें ध्यान देना चाहिए चीज़ों पर कि पहले हम अपना बचाव थर्ड वेव से करें, फिर उसके बाद में इस चीज़ की खुशी मनाएं कि हम फर्स्ट और सेकंड पार कर चुके। सबसे पहले तो थैंक यू मैं कहना चाहूँगा माइक ऑर्गेनाइजेशन को और इंदौर टॉक को, जो ये कोलैबोरेशन में ये काम हुआ है, ये बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली हम सबको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई RJ हो या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई इन्फ्लुएंसर हो, जो भी काम कर रहे थे इस दौरान, सबको एक मोटिवेशन चाहिए था। आई गेस इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है, और सभी गाइडलाइंस को फॉलो करके आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। कम लोगों को बुलाया गया और मुझे लगता है हम लोग वही बात कर रहे थे कि जितने भी हीरोज़ आज आए थे, वॉरियर्स आए थे, उन सब के लिए आगे के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक इवेंट रहा है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इंदौर टॉक की टीम को और MIC भोपाल की ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक टाइम ऐसा था कि जब
मैं लीड देख रही होती थी कि कहाँ से कैसे बस लोगों तक पहुँच जाए, ऑक्सीजन पहुँच जाए, वेंटिलेटर मतलब बेड्स वगैरह मिल जाएँ। और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं एकदम इन लोग को कॉल लगाती रहती थी कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ अरेंज कर दो। और उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हम सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि आप सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, तब कुछ लोग वाकई में ऐसे थे जो ग्राउंड लेवल पर आके अपनी जान को एकदम हथेली पर रख के दूसरों की मदद कर रहे थे। तो ये अपने में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद यही एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाती है रहने के लिए। मैं इंदौर टॉक की टीम को इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहूँगी, बिकॉज सिंस डे वन से रूपांशी और आपकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। बिकॉज इस समय पे क्या होता था, लीड्स बहुत फ्लोट होती थी और उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रूपांशी वॉज अ पर्सन, मतलब आई वुड कॉल हर वन मैन आर्मी, अकेली बंदी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हताश हो जाते थे। लाइक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का अरेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे एक मरीज को 6 घंटे तक हम ऑक्सीजन दे पाए, अगला सिलेंडर आई कुडंट अरेंज एंड द पर्सन डाइड। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसके बाद कभी कभी मन ऐसा हो जाता था कि यार क्या, मतलब हम नहीं बचा पा रहे हैं लोगों को। बट एट दैट टाइम पीपल लाइक यू एंड इन योर टीम यूज टू मोटिवेट अस, एंड वो ट्रैक पे सबको लेकर चलना इतने सारे लोगों को, इट्स अ बिग थिंग। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई बिलीव दैट, आई मीन यू गाइज डिजर्व अ बिग बिग रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच।